नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। जुर्म का पर्दाफाश। इस वक्त की बड़ी खबर महाराजगंज जनपद से आ रही है। पीच पर पहुंचते ही नीरज राय ने लगाया शतक, टीम में मची खलबली। जी हाँ, हम कोई क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं इंडो नेपाल सीमा पर धड़ल्ले से हो रही तस्करी के बारे में। जब चौकी प्रभारी नीरज राय पहुँचे तो तस्करों में मच गई खलबली, और पहुँचने के दो तीन दिन में ही मच गया हड़कंप। एसएसबी व पुलिस की संयुक्त टीम ने की बड़ी छापेमारी। हजारों बोरी कनाडियन मटर बरामद, तस्करों में मचा हड़कंप। अभी भी चल रही है छापेमारी। क्षेत्राधिकारी निचलौल देवेंद्र कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई थानों की लगाई पुलिस। इंडिया पावर न्यूज ने तस्करी पर 2 जुलाई को किया था प्रकाशन। खबर को गंभीरता से लेते हुए एसएसबी के जवानों ने की छापेमारी। जी हाँ, महाराजगंज जनपद के कोतवाली ठूठीबारी अंतर्गत लक्ष्मीपुर में दर्जनों घरों में छापेमारी कर हजारों बोरी कनाडियन मटर बरामद किया। खबर लगाए जाने तक छापेमारी जारी थी। टीम में एसएसबी के सहायक सेनानायक के तिवारी, ठूठीबारी प्रभारी निरीक्षक विजय नारायण प्रसाद, लक्ष्मीपुर चौकी इंचार्ज नीरज राय, रोहित यादव, अजीत कुमार, कई महिला कांस्टेबल व अन्य पुलिसकर्मियों, एसएसबी कमांडेंट मनोज सिंह, मनोज सान्याल, एके तिवारी समेत ठूठीबारी, शीतलापुर, झुलनीपुर, पथलावा एसएसबी बीओपी की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। बताते चले कि लॉकडाउन से ही इंडो नेपाल बॉर्डर सील है, लेकिन तस्करी धड़ल्ले से हो रही थी। तस्करी का पर्याय बन चुका लक्ष्मीपुर, चाहे भारत से नेपाल कहाँ या नेपाल से भारत। प्रतिबंधित सामानों की तस्करी जोरों पर चल रही थी। अभी 3 दिन पहले आए चौकी इंचार्ज नीरज राय ने बम्पर शुरुआत कर हजारों बोरी मटर बरामद किया है, जो अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी कही जा सकती है। एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मच गया है। देखें महाराजगंज से इंडिया पावर न्यूज की खास रिपोर्ट। यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? ये मकान आपका है? अपने पड़ोसी का नाम नहीं पता है? बगल में किसका घर है? बोरी का है तो कम से कम 1000 तो मिल जाएगा उसको। अरे सब ये सब 5-6 जने घर है सबके घर में। सुनिए, इसमें ताला जाने के घर है। ये 5-6 जने घर है, एक आदमी घर नहीं है। चलिए कर रहे हैं ना, एक जगह कौन है भैया? ऐसा नहीं रहते हैं बाहर। ये 5 जन का घर है।